नमस्ते दोस्तों, एमएस किचन रेसिपी में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे का और हरी सब्जियों का कटलेट। तो इसके लिए हमें सबसे पहले लेना है एक कटोरी में गेहूं का आटा। फिर हम डालेंगे बारीक कटी हुई अंबाड़ी की सब्जी। फिर डालेंगे बारीक किसा हुआ गाजर। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च डालेंगे। फिर डालेंगे बारीक कटा हुआ पालक और बाद में डालना है बारीक कटा हुआ हरा धनिया। फिर ऊपर से 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर डालेंगे, इससे हमारे कटलेट क्रिस्पी बनेंगे। और हमें डालना है स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी तिल डालेंगे, तिल से कटलेट का स्वाद और भी बढ़ जाएगा। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे अच्छे से गूंद लेंगे। आटा गूंदने के बाद हम इसमें फिर थोड़ा सा तेल डालेंगे और आटे को अच्छे तरीके से गूंद लेंगे। हमारा कटलेट का आटा अब रेडी है। अब हम इसके छोटे छोटे कटलेट बना लेंगे। देखिए, इस तरीके से हमें कटलेट दोनों हाथों के ऊपर बना लेना है। इस तरीके से हमने पूरे कटलेट बना लिए। अब हमें एक पैन में तेल डालना है। तेल को अच्छी तरह से गर्म होने के बाद हम इन कटलेट को तेल में शैडो फ्राई बना लेंगे। इन कटलेट को हमें दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेना है। गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम इन्हें फ्राई करेंगे। इस तरीके से नई रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाने के लिए ना भूलें। देखिए, हमारे कटलेट कितने मस्त हो चुके हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए। ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। हमारे गेहूं के आटे के और हरी सब्जियों की कटलेट तैयार है। हमारे चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। ऐसे हमारे चैनल पर आते रहिए और मज़ेदार खाना खाते रहिए।